दोस्तों, एक अच्छा क्रिकेट बैट हमेशा क्रिकेटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रन बनाने के लिए और टीम को जिताने के लिए। तो एक अच्छा क्रिकेट बैट कैसे चूज किया जाता है, यानी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो हम और आप देखते हैं टीम इंडिया में खेलते हैं, टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, बांग्लादेश में या फिर इंग्लैंड में खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट बैट कैसे चूज करते हैं, बताऊंगा मैं आज आपको। एक क्रिकेट बैट चूज करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि एक क्रिकेट बैट के ऊपर पूरा मैच, पूरा इनिंग्स उसका डिपेंड करता है। और जब आता है इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद, तब कोई भी भूल चूक अलाउड नहीं है। तो कोई भी बैट्समैन एक क्रिकेट बैट अपने हिसाब से कैसे चूज करते हैं, वो उसके ऊपर और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जो इंटरनेशनली क्रिकेट प्लेयर कौन कौन से चीज देखता है, और आपको भी अगर प्लेयर हो, आपको कौन कौन सा चीज देखना चाहिए क्रिकेट बैट खरीदने से पहले या फिर चूज करने से पहले, वो मैं कह देता हूँ। सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि आपको किस टाइप का क्रिकेट बैट चाहिए। जी हाँ, क्रिकेट बैट दो तरीके का होता है, एक होता है टेनिस बॉल खेलने के लिए और एक होता है लेदर बॉल यानी स्टिच बॉल में जो खेला जाता है वो खेलने के लिए। नॉर्मल जो टेनिस बॉल होता है वो सिर्फ हाइट के हिसाब से ही डिफरेंशिएट करता है और थोड़ा हल्का लेने से भी हो जाता है। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेटर बैट चूज करते हैं उसके पीछे बहुत सारी कीज होता है। जैसे कि पहले आता है साइज। जी हाँ, क्रिकेटर का जो बैट होता है वो बैट होता है अकॉर्डिंग टू हिज साइज, मतलब हाइट। क्रिकेट बैट का जो साइज होता है वो 0 से लेकर LH तक होता है। 0 मतलब 4 फीट वाले बंदा वो बैट यूज कर सकता है, और LH यानी 6 फीट के ऊपर जो बंदा है उसके लिए वो LH वाले बैट होता है। इसको लेकर बहुत डिस्कशन मुझे लगता है करना चाहिए, इसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा या फिर मैं बना चुका हूँ, आप मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद होता है टाइप, बैट किस टाइप का होता है यानी किस वुड से बना हुआ होता है। ऑब्वियसली ये विलो वुड से ही बना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर टॉप के विलो वाला बैट यूज करते हैं। टॉप के विलो मतलब इंग्लिश विलो। विलो का जो लकड़ी है वो भी दो किस्म का होता है, एक कश्मीरी विलो, एक होता है इंग्लिश विलो। इंग्लिश विलो जो होता है वो बहुत हल्का होता है और खेलने में भी बहुत आसानी होता है। लेकिन कश्मीरी विलो जो है वो थोड़ा भारी किस्म का होता है, वो सभी इस कश्मीरी विलो के बैट से नहीं खेल पाता है। लेकिन कश्मीरी विलो का बैट जो होता है वो कम प्राइस में इजीली सब जगह पर अवेलेबल है। इसके बाद देखा जाता है वेट। वेट के मामले में ICC ने डिक्लेयर कर दिया है 1.4 केजी के अंदर जो बैट है उस बैट का वेट रहना चाहिए। नॉर्मली 1.2 केजी से 1.4 केजी के बीच सब लोगों का बैट रहता है। जैसे कि MS धोनी का बैट है 1.27 केजी, वहां पर विराट कोहली का बैट है 1.12 केजी। इसके बाद रहता है ग्रेन। ग्रेन मतलब एज ऑफ द विलो, मतलब जो विलो का पेयर होता है वो पेयर कितना साल पुराना है। नया विलो यानी 5 से 6 साल के बीच जो बैट होता है वो बैट बहुत मजबूत होता है और वो बैट से बहुत अच्छा शॉट लगाया जा सकता है। लेकिन वो बैट टिकाऊ नहीं होता है यानी ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। लेकिन 10 से ज्यादा साल वाला यानी 10 से ज्यादा ग्रेन वाला विलो बहुत देर टिकता है, लेकिन उससे आप उतना अच्छा शॉट यानी उतना ज्यादा शॉट नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद आता है पिच। बहुत समय पिच का टाइप भी डिपेंड करता है बैट लेने पर। जी हाँ, आप अगर हार्ड हिटिंग पिच देखेंगे यानी जहां पर बैटिंग इजीली किया जा सकता है वहां पर तो आप वैसे ही बैट चूज करेंगे, लेकिन आप जहां पर देखेंगे बॉलिंग पिच है तो वहां के लिए जो बैट होगा आपको डिफेंसिव बैट लेना होगा, तो उसके लिए ज्यादा ग्रीन वाला विलो ही लेना है और ज्यादा भारी वाला बैट ही आपको चॉइस करना है। अब बात करते हैं हैंडल के बारे में। बैट का हैंडल का जो थिकनेस है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कोई भी एक खिलाड़ी के ऊपर। अगर खिलाड़ी चाहता है या फिर खिलाड़ी का हाथ थोड़ा छोटा हो तो वो बैट का जो हैंडल है वो छोटा भी बना सकता है या फिर बनवा सकता है ऑर्डर देके। और कोई अगर चाहता है कि लॉन्ग हैंडल वाला बैट यूज करे तो वो ऑर्डर देके वो भी बना सकता है। लॉन्ग हैंडल वाला बैट से इजीली बढ़िया सा शॉट लगाया जा सकता है, और टेस्ट में नॉर्मली शॉर्ट हैंडल वाला बैट ही यूज होता है। इसके बाद आता है ग्रिप। कुछ कुछ बैट्समैन है जो कि हैंडल थोड़ा पतला बनवाता है और जो ग्रिप है मल्टीपल ग्रिप लगा देता है वहां पर, तो वो जो सस्पेंशन है या फिर बॉल जब वहां पर लगता है बैट में तो वहां पर जो हलचल होता है यानी बैट पे जो धक्का लगता है वो धक्का पूरी तरह से हाथ में ट्रांसफर नहीं होता है, तो इजीली हो जाता है कोई भी बैट्समैन के लिए एक बहुत बड़ा शॉट मारना। और ये और भी इजीली हो जाता है जब कोई बाउंसर बॉल में छक्का या फिर चौका मारने की कोशिश करता है, जहां पर बैट का मूवमेंट एकदम इजी होना चाहिए और हैंडल पे अगर बहुत सॉफ्टनेस उसको महसूस होगा तो वो इजीली बैट इधर उधर घुमा सकता है। इसके बाद होता है बैट का टो गार्ड। जी हाँ, टो गार्ड इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा यॉर्कर बॉल में। जी हाँ, यॉर्कर बॉल जब पड़ता है विकेट के सामने तब टो गार्ड ही बैट को बचा लेता है और बैट को लॉन्ग लाइफ देता है, नहीं तो बैट का जो लकड़ी है वो लकड़ी इजीली टूट जाएगा टो गार्ड ना हुआ तो।
और इसके बाद ब्रांड्स, इंटरनेशनल खिलाड़ी तो ब्रांड से फ्री में बैट लेते हैं, उनको मिल जाता है इजीली बैट। नॉर्मल अगर देखा जाए तो कुकाबुरा, एसजी, एसएस, ये बैट नॉर्मल लेवल का होता है, और अगर हाई लेवल का देखा जाए तो रिबॉक, एमआरएफ, एडिडास या फिर जीएम का बैट होता है। तो दोस्तों, आपको क्या ये सब पता था या फिर नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों मुझे इंतजार करता दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।